कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और इसे किसी भी उम्र में निखारा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी कहानी कथावाचक शेषाचार्य महाराज की है, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में कथावाचक बनकर धर्म का प्रचार कर खूब नाम कमाया है। आए दिन शेषाचार्य महाराज द्वारा भगवत कथा का आयोजन होता रहता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज इनके गुरु हैं। शेषाचार्य महाराज की उम्र अभी 20 वर्ष है। आइए जानते हैं कि उनका शुरुआती दिनों से अब तक का सफर कैसा रहा। शेषाचार्य महाराज ने लोकल 18 से बात करते समय बताया कि भगवान के ऊपर बिल्कुल उनका विश्वास नहीं था, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जहां लगने लगा कि अब कृष्ण कन्हैया जीवन में नहीं होंगे तो उनका जीवन नहीं रह सकता। कैसे आपके मन में आया और अब तक के सफर के बारे में लेकर विस्तार से बताइएगा। बहुत सुंदर। देखिए, मेरा नाम शेषाचार्य है और पूर्व जन्म मेरा छत्तीसगढ़ की पावन धरा सरायपाली में मैं पला बढ़ा आगे और अध्ययन किया हूँ। लेकिन ज़िंदगी में मैं अपना शुरुआती दौर बताऊँ, मैं बिल्कुल भगवान पर विश्वास पहले नहीं करता था, लेकिन जीवन में एक ऐसी परिस्थितियाँ आई जहाँ मुझे लगने लगा कि अब अगर कृष्ण कन्हैया नहीं हो तो मेरा जीवन अब नहीं रह सकता। ऐसे कई प्रकार की समस्याएं आई जीवन में, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब प्रत्यक्ष रूप पे मुझे एहसास हुआ कृष्ण कन्हैया की कृपा, तो निश्चित रूप से जीवन की सारी इस संसार से माया छूट करके माधव के चरण शरण में आए हैं। मेरी आध्यात्म जगत में शुरुआत 2019 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ से वृंदावन की सफर रही, जहाँ पे मैं गुरु परंपरा में रह करके, गुरुकुल में रह करके, जहाँ विज्ञान की शिक्षा ले रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। लेकिन फिर भी जब आवश्यकता पड़ा कि मुझे सनातन धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, मैंने गुरुकुल में जा कर के वेद वेदांत का और शास्त्रों का शिक्षा लिया और गुरु कृपा से आज सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। अधिकांश देखा जाता है कि कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके गुरु का हाथ है, तो ऐसे आपके गुरु कौन है, किनसे आपने शिक्षा ली है और गुरु का आशीर्वाद कैसा रहा आपको? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मेरे गुरु रूप में मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे इस धरा में बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है। और जब मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया तो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में रह करके मैंने इस वेद वेदांत की शिक्षा, मुझ जैसे अपात्र को पूज्य गुरुदेव भगवान ने पात्र बना करके समाज के सामने रखा है और वेद वेदांत का अध्ययन करा करके समाज के बीच में भरोसा है कि आप सभी भक्तजनों को भगवान से जोड़ सकूँ। हमने आपका कार्यक्रम भी देखा है लगातार, अभी हर एक अनेकों गाँव में आपके कार्यक्रम भी हो रहे हैं, ऐसे में हजारों लोग भी आपको सुनने के लिए आते हैं जी। कितनी खुशी होती है, आप धर्म को प्रचार कितना कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझ जैसे अपात्र को सुनने को आ रहे हैं। ये तो मेरी कथा नहीं, मेरी प्रभाव नहीं, ये तो कृष्ण कन्हैया की प्रभाव है, जो सुंदर सी उनकी कथा को लोगों के बीच में मैं परोस पा रहा हूँ। और कृष्ण कन्हैया की कथा ही इतनी मधुर है कि हजारों की भीड़ में अभी वर्तमान में ही तक्षण हमने जोगी दादर की पावन धरा में, जहाँ पे श्रीधाम वृंदावन से 108 महाराज आकर के अष्टोत्तर शत का शुभ आयोजन किए, जहां प्रत्येक दिन 5000 से अधिक संख्या में भक्त पधार करके कथा श्रवण पान कर रहे थे। हमने तो विचार किया था कि कथा में 1000 से 2000 पब्लिक आएंगे, उसकी व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रत्येक दिन हमें दिन ब दिन पंडाल बड़ा करना पड़ा और भक्तों की ये उमाड़ सनातन धर्म में, ये निश्चित रूप से मेरा विश्वास है अब सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की ओर आ रहा है और सनातन धर्म अब जाग रहा है, सनातन धर्म कृष्ण कन्हैया को मान रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसी कई प्रकार की समस्याएं जब प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण कन्हैया की कृपा का एहसास हुआ, तब जाकर भगवान के प्रति विश्वास होने लगा। जीवन की सारी माया छोड़कर माधव के शरण में आए हैं। शेषाचार्य महाराज की अध्यात्म जगत की शुरुआत वर्ष 2019 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ से वृंदावन में हुई, जहां गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए गुरुकुल में रहकर वेद वेदांत की पढ़ाई की। शेषाचार्य महाराज पहले विज्ञान की पढ़ाई की, इसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल से वे विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए गुरुकुल में जाकर वेद वेदांत और शास्त्रों का शिक्षा लिया।
गुरु कृपा में से आज सनातन धर्म के प्रति लोगों को वह जागरूक कर रहे हैं और सनातन धर्म से उन्हें जोड़ रहे हैं। लोकल 18 रायपुर से राम कुमार नायक की रिपोर्ट।